की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का जोरदार एहतजाज। कांग्रेस लीडरान का एहतजाजी मार्च पुलिस ने बनाया नाकाम। पार्टी सदर जीए मीर हिरासत में। महबूबा मुफ्ती ने प्रियंका गांधी और कश्मीर कांग्रेस लीडरों पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सदर पीरजादा मोहम्मद शफी को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। बबर शेर का पुलिस पर इल्जाम। मारने और ताकत का इस्तेमाल करने पर कई जमातों ने की जबरदस्त नुक्ताचीनी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तुलबा का खामोश एहतजाज। यूटी इंतजामिया के फैसले पर बरहमी का किया इजहार। मुल्की सतह पर एमडी और एमएस के फैसले पर नजरसानी का किया पुरजोर मुतालबा। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। आप इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त जुड़े हैं। खबरों की तफसील में जाने से कबल जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह 23 और 25 अक्टूबर के दरमियान जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। जराए के हवाले से खबर है, मरकजी वजीर दाखला अमित शाह जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के दूरदराज इलाकों का 23 और 25 अक्टूबर के बीच दौरा शुरू कर सकते हैं। लॉ ऑर्डर का भी जायजा लेंगे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर एजेंसीज के अफसरान इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। मरकजी वजीर दाखला ने पहले ही 17 वुजरा के जम्मू कश्मीर दौरे के हाशिए के बाद उनसे फीडबैक हासिल किया जाएगा और 23 और 25 अक्टूबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह 23 और 25 अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरे की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ही पार्लियामेंट के ऐवान में ये बात कही थी कि स्टेटहुड की वापसी मौजूद वक्त पर दी जाएगी। बाद में उन्होंने ये भी कहा था, उस वक्त जब मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डिटेन किया गया था, उनके घर को सब जेल का दर्जा दिया गया था, तो उस वक्त वजीर दाखला ने कहा था अगर वो चाहते तो पार्लियामेंट में सेशन में आ सकते थे। ये नोकझोंक चलती रही और उसके बाद जम्मू कश्मीर और मरकजी वजीर दाखला मेनस्ट्रीम लीडरों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां पड़ी है। जम्मू कश्मीर आकर न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रोविंस के दूरदराज इलाकों और जम्मू के दूरदराज इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। और अब नाज़रीन दीगर अहम खबरें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस पार्टी ने अपना एहतजाज दर्ज किया। यूं तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की होगी, लेकिन यूपी के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस की कदावर नेता प्रियंका गांधी की हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, इस बैनर के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर वाकिया श्रीनगर में अपना एहतजाज किया। खवातीन, मर्द हजरात, पार्टी कारकुन की अच्छी खासी तादाद इस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई को मोदी को याद दिलाया, होम मिनिस्टर को याद दिलाया कि ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जिस वक्त किसानों या फार्मर्स के मसाइल थे, प्रियंका गांधी उस जगह का रुख करना चाहती थी। दौरे का आगाज हो चुका था, लेकिन इसी बीच में उन्हें हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, डिटेन करना, ये जरासर जमहूरियत के खिलाफ है। तकरीर करते हुए कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा, यूपी में और दीगर इलाकों में अब काफिया तंग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को 70 साल तक चलाया और मुल्क की सत्ता को न सिर्फ इक्तसादी तौर पर, माशी तौर पर, बल्कि रोजगार के वसाइल भी पैदा किए। आज के इस एहतजाजी मार्च को जो ही बाहर लेने की कोशिश की गई तो इस पर पुलिस ने इन्हें रोका। पहले तकरीर मुख्तसर तकरीर सुनते हैं, उसके बाद और भी खबरें हैं और बबर शेर को भी उन्होंने भी कुछ इल्जाम पुलिस पर लगाए। अपने यूं तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश को जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति
मोदी सरकार और आरएसएस चला रही है उसकी ताजा मिसाल आपने दो दिन पहले लखीमपुर खीरी में देखी, जिसमें करीब 8 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए, और वो पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में, जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट। मोदी और योगी के सामने डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है। जब वो वजूद ही है उनका नथुराम गोडसे का, तो नथुराम गोडसे तो बजायद खुद ही अराजकता का प्रूफ है। वो तो एक क्रिमिनल होने का ऑलरेडी सबूत दे चुका, वही इनका फोर फादर है। इसलिए पावर के नशे में अब ये पूरे देश को तहस नहस करना चाहते हैं। जो बना बना एक सिस्टम है इस देश में, भाईचारा है, उसको ये नष्ट करने में लगे हैं। और आज देश इकट्ठा खड़ा हो जाए और आने वाले दिनों में इस अराजकता को खत्म करें, इस डिक्टेटरशिप को खत्म करें और एक जम्मू। ये पुरमन सूरत हाल थी कांग्रेस हेडक्वार्टर वाकिया श्रीनगर में, जब इस एहतजाजी मार्च को जीए मीर क्यादत करने लगे थे, बाहर आने लगे थे, तो पुलिस ने एहतजाजी मार्च को यहीं पे रोका और गुलाम अहमद मीर को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस यूटी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर, नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार और दीगर लीडरान जब इस काफिले की क्यादत कर रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो इसी दौरान ये है बीडीसी चेयरमैन उमर जान और लगातार एहतजाज करते थे कि प्रियंका गांधी को रिहा करो। जिस वक्त गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जिस वक्त सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बड़ी कशीदा हुई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे लीडरान को हिरासत में लिया, गुलाम अहमद मीर को हिरासत में लिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने अपना एहतजाज जारी रखा, सड़कों पर आए और अपना एहतजाज जारी रखा। कांग्रेस पार्टी के इस एहतजाज में मीडिया का सबसे बड़ा फोकस रहा राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सरबरा पीरजादा मोहम्मद शफी। मीडिया का पूरा कंसंट्रेशन अपनी तरफ करने और माइल करने में कामयाब हुए। वो प्रियंका गांधी की रिहाई का मुतालबा करते रहे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से दुहाई लगा रहे थे कि जिन हालात में डेमोक्रेसी चल रही है उससे बचाना बहुत बड़ा आपका फर्ज होगा। राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के सरबरा और जम्मू कश्मीर में उर्फ आम बब्बर शेर कहलाने वाले पीरजादा मोहम्मद शफी ने आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखा, प्रियंका गांधी को रिहा करो, यूपी में डेमोक्रेसी बचाओ, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी लागू करो। और जम्मू कश्मीर के इस सपूत ने अपना एहतजाज दर्ज करने का अनोखा तरीकाकार बिल्कुल नहीं बदला। नाजरीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में एक और फ्रंट बनने के और इसको तश्कील देने की तैयारियां, जराए के हवाले से खबर है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई एक पार्टियों के लीडरान एक नया ग्रुप तश्कील दे सकते हैं। दविंदर सिंह राणा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू के, पार्टी से दूरियां इख्तियार करने के बाद बड़ी खबर डेवलप हुई। हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर सकते हैं। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर और दूर दराज इलाकों में एक बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात से कबल, दविंदर सिंह राणा ने पहले इंदिया दिया, इशारा दिया और बड़ी रेप्यूटेड पार्टी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा देने तक पहुंच चुके हैं। जराया का अगर यकीन किया जाए तो अगले कप्तान इस फ्रंट के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद आज किसी भी एहतजाजी मार्च में नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी की हिरासत में लेने के बाद जो सूरत हाल कांग्रेस को इस वक्त है उसमें फिलहाल गुलाम नबी आजाद नजर नहीं आए। अगर जराया का यकीन किया जाए तो आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद इस बड़े फ्रंट की कमान संभाल सकते हैं, जिसमें खिताब चनाब की बहुत सारी अहम सियासी शख्सियात,
राजौरी पुंछ जो कि अपना एरिया है गुलाम नबी आजाद का, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, इंद्रवाल, यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर कदावर लीडरान अब्दुल मजीद वानी, उसके बाद जीएम सरूरी शब्बीर अहमद खान, ये वो लीडरान हैं जो गुलाम नबी आजाद के करीब तरीन साथियों में शुमार किए जाते हैं। श्रीनगर चलने के बाद आपके ताज महदीन साहब, आपके हाजी अब्दुल रशीद डार और सारे लीडरान हैं जो इस ग्रुप में जा सकते हैं। नजीब सोहरवर्दी समेत जम्मू की अहम सियासी शख्सियात इस नए तश्कील शुदा ग्रुप में शामिल हो सकते हैं अगर जराया का यकीन किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों से अभी ये अफवाह बड़ी गश्त कर रही है कि दविंदर सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने के बाद हो सकता है कि वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकें या इस नए ग्रुप को तश्कील देने में उन्होंने आर्किटेक्चर का रोल अदा किया होगा। नाज़रीन खबरें और भी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सियासी सूरतहाल के साथ साथ कोरोना वायरस के बीच में जम्मू कश्मीर के शब रोज गुजारना अब बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर में बीती रात में भी केसों की तादाद में ज्यादा कमी नहीं आई, 100 के आसपास केस आने के बाद अब ज्यादा और एहतियात करने की जरूरत है। एक तरफ अगर आप मुगल बागात की बात करें, पार्क्स गार्डन्स की बात करें, टूरिस्ट को एक वक्त में एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप जिस वक्त बगीचे में दाखिल होंगे तो आपका कोरोना वायरस टेस्ट कराना लाजमी है। ये मशक और ये एक्सरसाइज फिलहाल थम सी गई है। और कश्मीर में क्या कुछ किया जा सकता है इंतजामिया की तरफ से, आवाम किस तरह से अपना सपोर्ट करेगी, सीधा चलते हैं अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है उर्दू खबरनामे स्पेशल रिपोर्ट में। तफसील से आगाह कीजिएगा कि कश्मीर श्रीनगर का इस वक्त एपिसेंटर है और बताया जाता है कि जो इस वक्त श्रीनगर के केसों की तादाद है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा लेवल पर आने लगे हैं। तो क्या इंतजामिया के अहकाम, जम्मू कश्मीर पुलिस के चालान वगैरह करने पर, मास्क न पहनने पर, क्या इसके अलावा भी हमारी मशक कहीं चल रही है या यह सिलसिला जबानी जबान तक ही महदूद रहता है? बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि पहले जिस तरीके से हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामला जमीनी स्तर पर जो है वो काफी सख्त थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर लोगों तक बात को पहुंचा रहे थे कि इसे लाइटली ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है अभी जिंदा है, मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपने मुगल बागात को लेकर भी बात छेड़ी है। देखिए, कल के जो स्पाइक को लेकर मैं बात करूं तो तकरीबन 100 के करीब जो आंकड़ा है वो दिखाई दिया, और इसके साथ साथ तकरीबन शहर श्रीनगर में काफी ज्यादा इजाफा अभी भी लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख रहे हैं बनिस्बत जम्मू श्रीनगर जो है खासतौर पर कश्मीर इस वक्त केसेस में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में काफी ज्यादा आगे चल रहा है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले बारी भी कुछ इकदाम उठाए थे, कुछ एरियाज को कंटेनमेंट जोन में जो है तब्दील कर दिया था, उसके बाद कुछ एरियाज को रेड जोन करते बंद भी कर दिया था शहरी खास को लेकर, ताकि लोगों को आखिरकार बात समझ आए। मगर जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग शायद अब ये भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस भी अभी है, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपना असर दिखा रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि माहिरीन का मानना है कि थर्ड वेव के साथ साथ हमें पहले अवेयर रहना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है। मुगल बागात की आपने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हम भी गए थे, हमने भी ग्राउंड पर वहां पर प्रोग्राम किया था, रिपोर्ट किया था कि हमने देखा था स्टार्टिंग में वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से काउंटर्स लगाए गए थे और बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना वायरस रिपोर्ट वहां पर मांगी जाती थी और उसके बाद वैक्सीन के रिपोर्ट भी मांगी जाती थी और साथ साथ टेस्ट भी कराए जाते थे। अब धीरे धीरे मामला थम रहा है, जिस तरीके से पहले सख्ती से वहां पर जी हाँ पेश आया जाता था, मगर अब लीनियंसी इतनी बढ़ गई है कि हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ गार्डन में एंट्री भी अब नॉर्मल होने लगी और गार्डन में भी कोई पूछताछ नहीं है। मास्क का दूर दूर पर असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मामला जो है, जब हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की, पहले हमने देखा कि चालान भी हुए थे। तो इरफान, मुझे बताओ कि एक तरफ प्रशासन कोशिश कर रही है कि रोजी रोटी का भी ख्याल रखा जाए, काफी गरीब कुंबे हैं जिनकी रोजी रोटी का वास्ता पूरे दिन के सूरज की किरणों के साथ शुरू हो जाता है, उसके बाद तालीम का भी बड़ा पासो लिहाज रखना होगा कि कॉलेज वगैरह या थ्योरी के बाद आपके प्रैक्टिकल सेशन शुरू होंगे, उसमें कॉलेज वगैरह खोलने बड़े लाजमी थे, लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा था कि कोविड खत्म हुआ। उन्होंने कहा था कि आप सर्टिफिकेट साथ लाएं और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो इस डोज को ले लीजिएगा और उसके बाद ही स्कूलों कॉलेजों का रुख करें, लेकिन लापरवाही जो हमने पाई स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, अस्पतालों के बाहर, इसके जिम्मेदार तो हम ही है ना, समाज ही है ना।
देखिए बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं कॉलेजेस को लेकर ही बात करूंगा। द डे जिस दिन कॉलेज खुला हमने देखा कि हमने वहां पर भी रिपोर्ट किया, हमने देखा कि बाजाबता तौर पर रिपोर्ट भी पूछी जा रही थी, वैक्सीनेशन का मामला भी अंजाम दिया जा रहा था और साथ ही साथ वहां पर एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दी थी। अब अगर आए रोज अगर हम देखेंगे ये सिलसिला धीरे धीरे कम हो गया, मगर जबकि प्रशासन ने मुकम्मल तौर पर अथॉरिटीज तक इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि किसी में किसी चीज में नरमी नहीं जो है बरती जाएगी, मगर अब नरमी भी बरती जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि नॉर्मली लोग शॉपिंग सेंटर्स में बाजारों में घूम रहे हैं और कुछ कमिटमेंट्स इससे पहले बाजार कमेटी के प्रेसिडेंट ने जितने भी वहां पे सरबराह थे उन्होंने भी ली थी, उन्होंने भी कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर इस पर चलेंगे, मगर आप देखिए दो दिन ये चीजें दिखाई देती है, पूरे हफ्ते में पांच दिन हाल कुछ डिफरेंट रहता है और खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार हम खुद है, मगर प्रशासन के साथ साथ जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग अटेनमेंट्स को लाने की जरूरत है, खासतौर पर जबकि हमने देखा कि FIR भी लॉन्च हुए थे और FIR भी किए थे, पैसा भी लोगों से मांगा गया था क्योंकि उन्होंने गलती की थी, मगर यहां पर आप देखिए जब तक हम खुद नहीं समझेंगे खुद नहीं सुधरेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि शहर श्रीनगर में केसेस की नमी पाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल इस खुसूसी तजिए के लिए कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस COVID-19 के बीच में सूरत हाल इस वक्त बेहंगम है। इसकी जिम्मेदारी अगर हम कहें तो मकामी शहरी हैं और जिस वक्त स्कूल कॉलेज खोलने की बात चली थी, क्योंकि तालीम को कहते हैं कि इस चैप्टर को और रोके रखना इंसान के बस में नहीं है, आने वाली नस्लें जो होगी वो इससे बाद में बड़ी परेशान इससे गुजर जाएंगी। इसी बीच में अस्पतालों के बाहर, स्कूल कॉलेजों के बाहर भीड़भाड़ वाले मकामात, शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस और सियाती मकामात पर पहले ही जम्मू कश्मीर में ऐलानन जो इस वक्त है नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है और उसके बाद इन बागात का रुख करने से कबल एडवाइजरी भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसको ज़्यादा हल्के से लेना शुरू किया। हमने देखा कि ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ आपने देखा सियासी लीडरान किस तरह से अभी जलसों और जुलूसों में लगे हैं। कुछ देर पहले हमने दारुल जवाद कमरवारी में इमरान रजा अंसारी के रिहाइश गाह पर निजामुद्दीन भट्ट की ज्वाइनिंग के बाद जिस वक्त वो लंच पैक हासिल कर रहे थे, हमने उस वक्त भी अपील की थी कि आप लंच पैक ज़रूर ले लें, लेकिन जिस जनाजे में 25 लोगों के जाने की इजाज़त है तो उसके बाद सैर व तफरी के लिए और उसके बाद सियासी सैर व तफरी के लिए आप इन लोगों को कैसे अलाउड करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसको जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन जो है उन्हें बड़ा संजीदा लेना होगा कि आप जिस वक्त ये अहकाम जारी करते हैं तो इसका जो निशाना होगा वो तमाम लोगों पर होगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब मेडिकल कॉलेज में दाखिले के वक्त अब रूल्स रेगुलेशन UT एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें तरामीम लाने शुरू किए। इसी बीच में आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपने एप्रन लेकर, स्टेथो लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान और तंग तलब करती है और जिस वक्त आप कोर्सों की बात करते हैं, MD MS की बात करते हैं, तो इसमें 50% जो रिजर्वेशन है वो पूल जो है वो ऑल इंडिया के साथ अब कंपटीशन में होगा। 15% रेशो, अगर आपके 500 मेडिकल सीटें थी उसमें आप कंपटीशन में कितने स्टूडेंट्स को पाएंगे, उसे जम्मू कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल जो है तारीख होने का खदशा है। एहतजाजी मुलाजिमों ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, JK न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत के दौरान अपील की कि हम सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहते थे, हमने एप्रन और स्टेथो और किताबें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से साथ लाई हैं ताकि LG इंतजामिया तक हमारी बात पहुंचे कि जो हमारा निज़ाम था तालीम का उसको डिस्टर्ब करने से यहां के मेडिकल काउंसिल में बच्चे जाने से शायद अब परहेज करने लगेंगे। अगर ऑल इंडिया कोटा में सारा कुछ जाता है तो उसके हिसाब से जो हमारा स्किम्स का है वो 100% कोटा जा रहा है, दैट मींस कि स्किम्स में जो क्लिनिकल सीट्स है वो 128 है और नॉन क्लिनिकल सीट्स को छोड़ जो इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे 50% ऑल इंडिया कोटा जो इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, इट्स ए टोटली अनजस्ट डिसीजन, जो ये यूनिलैटरल डिसीजन है विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन जो यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी और जो स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन है उनके खिलाफ हो रहा है ये सब। आपको इस बात से पता चलेगा कि जो बिग स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है एंड ऑल दो स्टेट्स, दे आर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस NEET PG ऑल इंडिया कोटा, इवन दे हैव ऑप्टेड आउट ऑफ UG कोटा टू। सो इन दिस रिगार्ड वी आर रिक्वेस्टिंग द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू काइंडली कंसीडर आवर डिमांड्स, जो हम डिमांड्स आगे रख रहे हैं उनको, दैट एवरी ईयर अराउंड अबाउट 2000 टू 2500 स्टूडेंट्स जो है दे कम्पीट फॉर वेरियस PG क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड सिकिम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बट द थिंग इज दैट जो एज ऑल ऑफ यू नो दैट सिकिम्स सोरा इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सो 100% ऑफ द कोटा विल गो
फ्रॉम सिक्किम्स, और जैसे श्रीनगर और जैसे जम्मू का जो मसला है उनमें 50% सीट जो हमारी वो जाएंगे। सो हमारी डिमांड्स ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा जो है 50% रिजर्वेशन कोटा वो जे एंड के पे अप्लाई ना हो, क्योंकि इससे जो दैट आर फ्यूचर्स विल बी इन जियोपार्टी, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो रैश जो है जो अपियर हो जाएंगे और जितनी सीट्स है वो है 70 और 80 सीट्स लेफ्ट क्लिनिकल सीट्स की अगर हम बात करेंगे। सो इट्स टोटल अनजस्टिस विद अस। सो इस हिसाब से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वी रिक्वेस्ट देम टू काइंडली कंसीडर दिस, टेक एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग बडिंग डॉक्टर्स ऑफ टुमारो, दे शुड एटलीस्ट टेक देम इनटू कंसीडरेशन, उसी हिसाब से वो इसको अप्रोच करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है जे एंड के की। और नाज़रीन स्पेशल रिपोर्ट में एक अहम खबर है। अब जम्मू कश्मीर में रिश्ते बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का पास लिहाज रखा जाता है, लेकिन 21वीं सदी में और आज के दौर जदीद में रिश्तों को मिलाने के बजाय कुपवाड़ा के जरहामा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबों के दिल हिला के रख दिए। तस्वीरें आपके पास है। ये वो शख्स है, ये वो लड़का है जो मकामी लड़की से शादी करना चाहता था, और उसके बाद उनकी वालदा ने आज कुपवाड़ा से थक हार कर 80 किलोमीटर की मुसाफत तय करी, और उसके बाद श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर उन्होंने अपनी रुदात कुछ इस तरह से बताई। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा आसपास के माहौल में एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के भाई ने उन्हें धमकी दी आखिरी फोन करके कि अगर आपने शादी कर भी ली तब भी आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इल्जाम, जज्बात, और ये वो जुबान थी जो रिश्ते बनते बनते टूट गए। मकामी लोगों की माने तो इस रिश्ते को बनाने की बड़ी कोशिश की गई। रिश्ता बनाते वक्त बैलेंस इम्बैलेंस का खास ख्याल रखना बड़ा लाजमी है, लेकिन वालदा ने कहा मेरे बच्चे का क्या कसूर था कि इस बच्चे को इतनी बड़ी सजा दे दी गई, और हमने तो 1 लाख रुपया तैयार भी किया था, जो उन्होंने कहा था कि आप 1 लाख रुपया तैयार रखें, उसके बाद मस्जिद से आप दुल्हन को ले सकते हैं, घर नहीं आने देंगे। इतना सख्त लहजे में पैगाम देने के बाद क्या कुछ हुआ, इनकी वालदा को सुनते हैं जिन्होंने आज कुपवाड़ा से 80 किलोमीटर दूरी की मसाफत तय करने के बाद प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपनी रुदात कुछ इस तरह से बयान की। मर्जी पे लश तो तैयार तो ठीक है, मे रोप लश तैयार कपड़े अन मे सो क्यों मे तो इमो दुक जुम्मा दीजि ऐसा तो मुर्शिदीन पे खोजन यु मगर इस दिमो घर से रिश्ते कह मुर्शिदीन पे अन जो मे दस ठीक तीत ठीक कौर मोल मोन अति मज वो त्रे दह ब्रो कॉर्न दिस लड़क धमकी यूतान खबर लड़कस हूतना लड़की हूतना नंबर मालिस हूतना नंबर तो कर्न लड़कस फोन मे जी दह कड़े बे अगर तो खान कर पत मार पत रोज दुनिया पे कह बहस वे असल पे सुबह चाय चे लड़कन असल पे बोट दपन मे पलो छलू बह गुब कम शटरिंग कम शटरिंग कम अमस चल पलो असल पे बोट घर ये वो दुकानस पे पे। कुपवाड़ा के ही टंगदार इलाके से हमारे नुमाइंदे अशफाक लोन ने इत्तला दिया कि इलाके में इस साल भी अखरोट और गिरी की फसल बहुत बेहतर रही। अखरोटों को मार्केट तक लाने के लिए और मंडियों तक लाने के लिए इन दिनों आम लोग जो हैं बड़े सरगर्म हैं, लेकिन इसी बीच में उन्होंने दावा किया कि गिरी और अखरोट की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। हालाँकि इस साल एक्सपर्ट मानते हैं कि अफगानिस्तान से इस साल जो है अफगानिस्तान से शुरू करें तो अखरोट की जो फसल है वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से मकामी पैदावार की कीमतों में इजाफा होगा। चाइना के साथ भी ताल्लुकात इक्तिसादी तौर पर बेहतर न होने की वजह से जम्मू कश्मीर का अखरोट जो है वो मार्केट में सही मानों में सामने आ जाता, लेकिन खिलाफ तबक्को और हैरानकुन तौर पर टंगदार और मकामी आबादी में इसी तरह की स्टोरी हमारी बारामूला से भी आई, शोपियन से भी आई। अखरोट हैं, फसल अच्छी हुई, धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन गिरी और अखरोट की कीमतें जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो हमारा इलाका है करना जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पड़ता है, बहुत ही पसमानदा इलाका है, इसमें जो अखरोट और गिरी का कारोबार होता है इसी पर लोगों का डिपेंड है। साल भर यही खर्चा लोग अपने घरों में बच्चों के लिए, बीवी के लिए और कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज कई साल से ऐसा हो रहा है कि अखरोटों की जो रेट वगैरह है अप डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत भारी मुश्किल आ रही है। हमारे खाने पीने पे, बच्चों की तालीम पे इसका बड़ा असर हो रहा है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अखरोटों की रेट को मैक्सिमम रेट कर दिया जाए। हमारे यहाँ टंगदार के जो लोग हैं
यहाँ पे जो ज्यादातर लोग जो हैं 50% प्लस लोग जो अखरोट और गिरी के कारोबार से वाबस्ता हैं, जो अपना रोजगार इन्हीं चीजों से सालाना निकालते हैं। लेकिन हमें ये बड़ी अफसोस की बात है, पिछले 3 साल से इन लोगों को जो गिरी का या अखरोट का जो रेट थी वो रेट बहुत ही कम मिल रही है। 300 इधर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चंद कारपोरेटर्स और अवामी नुमाइंदों ने आज राजबाग श्रीनगर में जमा होकर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि उन्हें होटलों से अब रुख्सत किया जा रहा है और मुनासिब और मतवादिन एकोमोडेशन कहां पे मिलेगी इसके लिए सरकार या डिप्टी कमिश्नर के पास जाना होगा। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही परेशानी में है और उसके बाद सिक्योरिटी कवर और मुनासिब सिक्योरिटी न मिलने की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। लेकिन इसी बीच में एक और ऑर्डर आया कि उन्हें अब होटल एकोमोडेशन जो है वो अब उन्हें तब्दील करनी होगी, या मिलती या नहीं भी मिलती। शाहीना है कॉरपोरेटर, उन्होंने हमारे नुमाइंदों को बताया कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में भी लाया जा चुका है, लेकिन हमारे एहतजाज में शिद्दत आ सकती है अगर इस तरह के फैसलों को सादर किया गया। हम सरपंच है लेकिन गांव का काम करेंगे, फिर हम घर ही जाएंगे, वहीं मरेंगे, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे। अभी क्या वजह है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि आप निकलो, होटल वाले ने बंद कर दिया सारा कुछ, बोलता तुमको निकलना है, मगर हम कहां मरेंगे? डिस्ट्रिक्ट में हमको पटाएंगे फिर मारेंगे। हम चोरी छुपे घर जाते हैं वापस आते हैं। मैं बख्शाहीन कॉर्पोरेटर राजबाग से बोल रही हूँ। ये मेरे साथ है 5 सरपंच, BDC DDC के सारे चेयरमैन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर भी बैठे हैं। ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, होटल डिहायर किए हैं, हमको यहाँ निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोचना था, पहले इनको एडजस्ट करना था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेटर बट शाहीना बात कर रही थी सिक्योरिटी और एकोमोडेशन के मसले को लेकर। नाजिन, स्वच्छता ही सेवा है, एक बड़ा कार्यक्रम चला, प्राइम मिनिस्टर के लेवल से चला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं पटन के इलाके में। पटन के इलाके में मकामी लोगों की माने तो कूड़ा कचरा जो है वो मेन रोड पर फेंका जा सकता है। देखिए तस्वीरों में, जिसके बाद मकामी लोगों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कूड़ा कचरा फेंकते वक्त मुतलका म्यूनसिपल कमेटी पटन को फौरी तौर पर जो है अहकाम सादिर करने चाहिए थे, ताकि कूड़ा कचरा जो है मकामी लोगों के लिए परेशानी उन माहौल से न मिल जाती, क्योंकि मेटाडर स्टैंड के पास में कूड़ा कचरा जमा कर दिया गया है। पर्टिकुलर यहाँ पर जो उनकी जो यहाँ से हमें निकलती है, यहाँ पर जो गार्बेज पटन के जितने भी जो गार्बेज निकलती है वो यहाँ शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जब हम श्रीनगर स्टूडियो से स्पेशल रिपोर्ट का ये शुमारा बराह रास्त आप तक पहुँचा। अब दोबारा मुलाकात होगी ठीक 6 बजे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए अपने मेजबान और पूरी टीम को श्रीनगर से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।